यही इलेक्शन कमीशन निगरा हुकूमत बनाएगा। तमाम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का रायवंड में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, जब आलमी इमदाद आने लगी तो खान साहब ने असम्बलियां तोड़ना शुरू कर दी। इलेक्शन कमिश्नर होगा, यही हुकूमत बनाएगा, यही हुकूमत इंतखाब कराएगी और ये इसमें बिल्कुल सर के बल चल के इलेक्शन लड़े। सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई फ्लड वाली, उसमें दुनिया ने पाकिस्तान की इमदाद करना शुरू की। इसने फिर आके असम्बलियां तोड़ूंगा, पंजाब असम्बली तोड़ दी, लेकिन जब मैदान लगता है, पटाखा फूटता है तो घर जाके घुस जाता है। तुम उसी बहरान में लाना चाहते हो। आज फिर कभी अदलिया की जाके बना लेते हो, कभी फौज से मुतालबे करते हो। कराची में जिस बुरी तरह शिकस्त हुई है इमरान खान को, इनको नानी याद आनी शुरू हो गई है कि पंजाब के इंतखाब में भी यही सूरत हाल होने वाली है। 2022 वोटरों से भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।